ओम शांति ओम शांति मेरा शरीर का नाम माया देवी है मैं यहाँ की रहने वाली हूँ और मैं जब से बाबा के ज्ञान में चली हूँ मेरे को बारह तेरह साल हो गए चली हुई को और मेरा युगल भी साथ में चलता है मेरा परिवार मेरे को बहुत साथ देता है मेरा बहू बेटा मेरे बड़े बेटे ने मेरे को यहाँ में छोड़ा मेरे साथ कोई ऐसा घटना घटी थी कि मैं बहुत दुखी थी तो मैं रोती रहती थी घर में तो जब मेरे बेटा ड्यूटी जाता था तो वो मेरे को यहाँ छोड़ के जाता था कि मम्मी आप रो मत घर में वो उस टाइम मेरा हस्बैंड जो थे युगुल जो थे वो नौकरी करते थे तो वो ड्यूटी में आते थे और मैं घर में अकेली होती थी तो फिर मैं बहुत दुखी रहती थी जब से मैं इस ज्ञान में चली हूँ बारह तेरह साल हो गए मेरे को चली हुई को तो मैं बहुत अच्छा अब अनुभव करती हूँ बाबा की श्रीमत में चलती हूँ दो बार मैं माउंट आपू के आई अब मेरे युगुल भी मेरे साथ में है सारा परिवार मेरा बहुत साथ देता है और एक पड़ोसन थी वो भी बेचारी बहुत दुखी हुई उसको भी मैंने अपने साथ लाया कि चलो क्यों रोती है तो आपको दुख है तो चलो हम आश्रम में जाएंगे वहाँ अपना बाबा से शेयर करेंगे अपना दुख हम बाबा के बच्चे बनेंगे और बाबा के श्रीमत में चले हैं वो भी वो भी बेचारी उसने उसको भी मैंने यहाँ लाया वो भी मेरा बहुत साथ देती है हम दोनों आते जाते थे अब हम तीन हो गए हैं और मेरे उगल भी साथ में मेरे साथ माउंटापू गए दो बार अब हम दोनों जो बाबा कहते हैं उसमें चलते हैं श्रीमत में अपना खान पान सब कुछ हमारा लग गए और बहुत अच्छा लगता है हमारे को बहुत बाबा हमारे को बहुत अनुभव देते हैं बहुत जो मैं सोचती हूँ वो बाबा मेरा पूरा करता है और रोज हम मुरली पढ़ते हैं रोज यहाँ आते हैं सेंटर में आते हैं क्लास लगाते हैं और सुबह चार बजे उठ के भी यो, -यो करते हैं अपना बाबा की मुरली सुनते हैं और सबको ज्ञान भी देते हैं हमारी रिश्तेदारी में अभी कोई नहीं चला है पर हम सबको ज्ञान देते हैं कि भाई चलो इसमें चलो आप हमारे आश्रम में आओ वहाँ सात दिन का कोर्स करो और इसमें चलो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा ज्ञान तो हम सबको बांटते हैं कैलेंडर बांटते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ सबको अपना अनुभव सुनाते हैं कि देखो भाई यहाँ चलना चाहिए आपको हमारे साथ